बच्चों, जैसा कि आपने देखा था, हमने कल अपने परमाणु संरचना, हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने आपको ऑर्बिटल्स तक की एक छोटी सी जानकारी दे रखी थी, उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने नाभिक ड्रॉ कर रखा हुआ है, तो नाभिक के चारों तरफ बच्चों, ये जो पहला हमारा सर्कल आप देख पा रहे हो, ये हमारा पहला सर्कल जो है, ये हमारा एस ऑर्बिटल है। ठीक है, दूसरे वाले में बच्चों हमको यहाँ पर दो ऑर्बिटल मिलेंगे, एक एस मिलेगा और दूसरा हमको पी ऑर्बिटल मिलेगा। इसी तरह से बच्चों जो तीसरा वाला है, उसमें हमको सबसे पहले एक एस मिलेगा, फिर हमको पी मिलेगा और उसके बाद हमको डी ऑर्बिटल मिलेगा। जबकि चौथे वाले ऑर्बिट में बच्चों हमको पहले वाले में एस मिलेगा, दूसरे वाले में हमको पी मिलेगा, ठीक है, तीसरे वाले ऑर्बिटल में हमको डी मिलेगा और फोर्थ वाले में हमको एफ मिलेगा। फिर बच्चों, ठीक है, ये नंबर वन है आपका, ये नंबर टू है, ये नंबर थ्री है, ये नंबर फोर है। जैसे ही आप फिफ्थ ऑर्बिट में आओगे, फिफ्थ ऑर्बिट में अगेन बच्चों आपको ये एस मिलेगा, फिर अगेन पी डी एंड एफ। सिक्स ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे अगेन आपको तीन मिलेंगे, एस पी और डी। सेवेंथ ऑर्बिट में जब आप आओगे तो यहाँ पे केवल आपको एस और पी मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये ऑर्बिटल की एक बहुत छोटी सी जानकारी मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी दिया हुआ था। इसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अभी आपके सामने रख रहा हूं और बहुत अच्छे से समझिएगा, टॉपिक है बच्चों, और वो टॉपिक है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की, और वो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं किसकी, संख्या की। आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझना है कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखिए, एस ऑर्बिटल के लिए हम केवल एक कोश यानी कि एक ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं बच्चों। ठीक, और उन इलेक्ट्रॉनों को हम एस की पावर के ऊपर है ना रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर मैं पी ऑर्बिटल लेता हूं तो पी ऑर्बिटल में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे, छह इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इन छह इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए बच्चों हमारे पास तीन ब्रैकेट होंगे। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक जो आपका बॉक्स होगा, प्रत्येक बॉक्स में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों ये सिक्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। बच्चों डी जो ऑर्बिटल होगा हमारे पास, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं बच्चों। इन 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमारे पास जो बॉक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम कक्ष कहते हैं, उनकी अधिकतम संख्या 5 होती है। ठीक है, इस तरह से उनको डिजाइन किया जाएगा। बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए पहले प्रत्येक कक्ष में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर लेना है। इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। बच्चों एफ जो ऑर्बिटल होगा, एफ ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और इसके लिए टोटल 7 बॉक्स क्रिएट होंगे, जिनको हम कक्षक बोलेंगे। बाद में इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे, अभी केवल शॉर्ट में आपको थोड़ा सा चीजें बता दे रहा हूं। ठीक है, प्रत्येक में हमको एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है बच्चों, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देना है। ठीक है, इस तरह से बच्चों। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पी ऑर्बिटल में बेटा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम डिजाइन करेंगे। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको रखने के लिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों ये एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल्स हैं, तो बेसिकली आपको समझना है इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी तक हमारी इस पूरी परमाणु संरचना का जो कंसेप्ट है ना, ये हमको क्या बताना चाहता है? तो बच्चों इस पूरे कंसेप्ट को कुछ इस तरह से समझ लीजिए। सपोज बच्चों, ये हमारे पास हमारे परमाणु अणु या आयन का
नाभिक है बच्चों, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ हमको क्या देखने को मिलते हैं, नाभिक के चारों तरफ बच्चों हमको ऑर्बिट देखने को मिलते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए, ये जो रेड वाला सर्कल है ये हमारा ऑर्बिट है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस ऑर्बिट का जब हम एक्सरे, ठीक है, अध्ययन करते हैं ना, बहुत ये कई अलग अलग तरह की तकनीक होती हैं, तो जब हम इसका एक्सरे विवर्तन अध्ययन करते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि इस ऑर्बिट के अंदर हमको कुछ छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है, जिनको हम उपकक्ष या ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, और उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक ब्लू सर्कल मैंने बनाया, आप इमेजिन कर लीजिए यहां पर कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इस तरह से आप बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा कि एक जो आपका उपकोष होगा उसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन थे, एक ब्रैकेट था, पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसके पास तीन ब्रैकेट थे, लेकिन एक में हमने केवल दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि एक परमाणु अणु या आयन का जो नाभिक होगा उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल मिलेगा, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। अधिकतम कितने ऑर्बिटल्स आपको मिल सकते हैं, तो बच्चों जबकि हम तत्व का परमाणु क्रमांक अगर एक लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने किसी तत्व को इस्तेमाल किया है और तत्व का परमाणु क्रमांक अगर एक है से प्रारंभ होता है और वो अगर 118 के बीच में है, तो बच्चों इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ऐसी कंडीशन में हमको केवल अधिकतम चार ऑर्बिटल ही मिलेंगे, एक एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ। जैसा कि आपने देखा था इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एसपीडीएफ के पूरे फुल नेम भी बताए थे, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड और एफ फॉर फंडामेंटल, ठीक है। तो अब ये समझने वाली महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि नाभिक के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर ये ब्लू वाला जो है ये एक ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में नहीं होते, वो नाभिक के चारों तरफ पाए जाने वाले उसके वृत्ति सर्कल्स में, उस ऑर्बिट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस पर अभी बहुत ज्यादा विचार विमर्श होगा, अभी इनकी डेफिनेशन भी आएंगी, अभी जस्ट मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर हमारा परमाणु कैसा दिखाई देगा। बच्चों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब ये जो ऑर्बिटल्स का पूरा एक क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये यूटिलाइज होगा जबकि हम अपने इस चैप्टर के टॉपिक्स को आगे बढ़ाएं। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा और हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे बच्चों, और हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, उस पर हम विचार करने जा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है अफबाऊ का नियम। बच्चों ये पूरे ऑर्बिटल्स का जो एक प्रतिबिंब मैंने आपके सामने रखा, ठीक है, इसको इस्तेमाल करके हम अपने अफबाऊ के नियम के बारे में जानेंगे कि अफबाऊ का नियम क्या है, और फिर अफबाऊ का जब आपको नियम समझ में आ जाएगा तब आप समझेंगे कि ये टॉपिक कैसे धीरे धीरे आगे चलेगा, ठीक है। तो बच्चों हम अफबाऊ के नियम पर आ जाते हैं और आपको मैं बताता हूं अफबाऊ, का नियम। बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो नाम आ रहा है अफबाऊ का नियम, है ना, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि अफबाऊ जो है ये किसी वैज्ञानिक का नाम है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेनी है कि अफबाऊ जो है बच्चों वो किसी भी वैज्ञानिक का, ठीक है, ये किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। मैं बहुत जोर दे रहा हूं इस बात पर, और आपको ध्यान भी रखना है कि अफबाऊ जो है वो किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ठीक, किसी भी वैज्ञानिक व्यक्ति का नाम नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है तो फिर
बच्चों ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। जिसका बहुत साधारण सा अर्थ होता है बच्चों, जिसका अर्थ होता है क्रमिक, क्रमबद्ध रूप से, रचना या निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला। तो बच्चों अभी तक हमने नियम तो नहीं पढ़ा, ठीक है, कि अव्यय का नियम क्या है, लेकिन हमने उसके संदर्भ में बहुत छोटी सी बातें जानी। मैंने आपको बताया कि अव्यय जो है वो किसी भी व्यक्ति वैज्ञानिक का नाम नहीं है। मैंने आपको बताया बच्चों कि ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जिसका अर्थ क्या है, क्रमिक, क्रमबद्ध रूप से रचना या निर्माण करने वाला। तो ये क्रमबद्ध रूप से रचना या निर्माण किसका करेगा, ये हमारे अणु परमाणु रायन का निर्माण करेगा, हमारी सृष्टि का निर्माण करेगा, ठीक है ना। कैसे करेगा वही चीज डेफिनेशन बताने के बाद आपको समझाऊंगा। तो बच्चों हम आ जाते हैं अब डेफिनेशन पर, और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि अव्यय का नियम क्या कहता है। अव्यय का नियम कहता है बच्चों, प्रत्येक तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम सदैव निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है कि अव्यय का जो नियम है क्या कह रहा है बच्चों, प्रत्येक तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में, परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है वो सदैव निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। यानी कि नाभिक के निकट जो ऑर्बिटल होंगे उनकी ऊर्जा सबसे कम होगी, पहले इलेक्ट्रॉन की जो भराव होगा, पहले इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी उन ऑर्बिटल में होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से निकलकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। बच्चों ये बिल्कुल उसी प्रकार है जब आप बहुत छोटे थे तो आपने अपनी प्रारंभिक स्कूलिंग में भाग लिया था, यानी आपने पहली कक्षा पढ़ी, फिर आपने दूसरी कक्षा पढ़ी, फिर आप धीरे धीरे एक एक कक्षा को पार करते हुए आ गए, और आज आप लोग 11वीं कक्षा तक आ गए हो ना। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग सीधा 11वीं में आ गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम प्रतिबिंब आपके सामने रख रहा हूं, ठीक, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिंब आपके सामने रख रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर ये परमाणु का नाभिक है, यह परमाणु का नाभिक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको मिलेगा 1s ऑर्बिटल, आपको मालूम है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा 2s ऑर्बिटल, फिर 2p 6 ऑर्बिटल, फिर 3s 2, 3p 6, और उसके साथ मिलेगा बच्चों आपको 3d 10 ऑर्बिटल, 4s 2, 4p 6, 4d 10 और बच्चों 4f 14 मिलेगा आपको। फिर मिलेगा बच्चों हमको 5s 2, 5p 6, ठीक है, 5d 10, 5f 14। बच्चों हमको मिलेगा 6s 2, सॉरी 6p 6, उसके बाद हमको मिलेगा 6d 10, फिर हम
हमको मिलेगा बच्चों 7sp, 7s2 और उसके बाद मिलेगा 7p6। ठीक है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझिए, ये हमारा नाभिक है, नाभिक के निकट जो ऑर्बिटल है वो है 1s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके पास होगी? 1s के पास होगी, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन 1s के बाद किस में आने वाले हैं? जी हाँ बिल्कुल, 2s में आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन फेल हो जाएंगे। फिर 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? 2p के पास जाएंगे। जब ये ऑर्बिटल भर जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन निकलकर 3s में जाएंगे। ठीक बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर 3p में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में जाएंगे। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब ये भी भर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4p, फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d और उसके बाद 4f में जाने वाले हैं। ठीक, और इसी तरह से ये क्रम चलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5s, 5p, 5d, 5f में जाएंगे। जब ये भी भर जाएंगे तो 6s, 6p, 6d में जाएंगे। जब ये भर जाएंगे तो 7s और 7p में जाएंगे। ठीक, ये मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की कि नाभिक के निकट जो ऑर्बिटल है वो है 1s, तो 1s की ऊर्जा सबसे कम है। जबकि जैसे जैसे बच्चों ये नंबर आप देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि नाभिक से दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ बच्चों ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल का नंबर बड़ा है मतलब उसका साइज बड़ा, उसका साइज बड़ा मतलब उसकी ऊर्जा ज्यादा है। ठीक, ये सारी बातें आप समझ रहे हो? ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से याद रखने की कोशिश करें, नाभिक के निकट जो ऑर्बिटल होते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उनमें होती है, यानी सबसे पहले वो ऑर्बिटल भर जाते हैं, उनके बाद नाभिक से दूर वालों में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश करते हैं। और यही आबाऊ का नियम था। आबाऊ ने क्या कहा? आबाऊ ने कहा प्रत्येक तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये जो आबाऊ का नियम है बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है।